हाँ सर, क्या नाम आपका है सर? सर मेरा नाम नागेश्वर कुमार पटेल है। जी मैं संरक्षक हूँ रामसुंदर दास इंटरमीडिएट कॉलेज। जी जी मेरे वहाँ से एक मैटर आजकल आप लोग देख रहे होंगे, सभी चैनल वाले चला रहे हैं, जिसमें एक ब्रिजेश प्रजापति नाम का लड़का है जी, जो मेरे विद्यालय के ऊपर मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा रहा है। उसमें बात यह है सर कि वो लड़का बाहर रह के पढ़ता था गोवा में या जहाँ भी कहीं रहा हो, मुझे वो पता नहीं है। क्या नाम है लड़के का? ब्रिजेश प्रजापति। पिता का क्या नाम है उसके? कृपाल करके कुछ है ऐसे। अच्छा, डिटेल मुझे पता नहीं, वो प्रिंसिपल सर रहते तो। अच्छा अच्छा, किस क्लास का लड़का है? क्लास 10th का लड़का है। इस साल वो 10th पास आउट करता अगर उसका प्रोजेक्ट नंबर चढ़ा होगा। जी बात यह है कि वो मई में उससे जब बात हुआ था तो वो मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया भेजा होगा, जिसका रसीद वो फिलहाल शो ऑफ कर रहा है। वो रसीद जो 5,000 रुपया भेजा वो 9th का उसका फीस है। उस बच्चे ने केवल 300 रुपया दे के हमारे वहाँ एडमिशन कराया था। आप लोग चाहेंगे तो भी मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा। पूरे एक साल पढ़ा हमने लोगों ने, उससे कोई भी पैसा नहीं लिया था, वो केवल 5,000 रुपया भेजा था, वही 9th का फीस था। और 10th में भी वो लड़का फीस नहीं दिया था और ना ही वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देने के लिए वो स्कूल में आया, ना प्रोजेक्ट की कॉपी वो जमा किया है। जहाँ तक नंबर चढ़ाने की बात है कि तो हमने उससे ये भी आश्वासन दिया था कि अगर आपका नंबर अब्सेंट हो गया है तो वो नंबर हम चढ़वा देंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और थोड़ा सा हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सर वो जो पैसा आपने वो जो अपने खाते में मंगवाया है जी जी, वो पैसा किस पर्पज से आपने मंगवाया? सर वो 9th फीस के पर्पज से मंगवाया गया। अच्छा। 9th जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद से फोन हुआ था, वो आप लोग को आगे पढ़ना है तो अपना फीस जमा करवा दीजिए और नाम हम नाम काट देंगे। ये जो भी न्यूज निकल कर आ रहे हैं वो मामला प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल का वो नंबर चढ़ाने संबंधी चर्चाएं हो रही है जो प्रकाश में आ रहा है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर उसके संबंध में ये कहना चाहेंगे कि जो लड़का हमारे अकाउंट में पैसा भेजा है उसका डेट चेक कर लिया सर, और नंबर वो पैसा भेजा है 2019 में और नंबर चढ़ा 2020 में, कौन सा प्रबंधक ऐसा होगा जो एक साल पहले ही प्रोजेक्ट का पैसा ले? नहीं, सही है, वो बात सही है, लेकिन एक चीज और सुनने में आया है कि आप एक शिक्षक हैं, एक प्रबंधक हैं, और ये शिक्षा के जगत पर ही जो है आप खड़े हैं जी जी, और आपसे ही आपके ही द्वारा बच्चों का जो भविष्य जो है उज्जवल होता है जी जी, और मोबाइल जरिए आप जो है बच्चे को धमकी दे रहे हैं कि निचलाओ ला जाओ, यहाँ जाओ, हम तुम्हें देख लेंगे, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर उसके संबंध में बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि उसके गांव के कुछ बच्चे मिल गए, हम लोग कन्वेंसिंग गए थे उसके गांव में, मैं और मेरे प्रिंसिपल और कुछ टीचर फोर व्हीलर गाड़ी से हम लोग गए थे वहाँ के, लगभग 50-60 बच्चे मिल के मेरी गाड़ी को फोड़ने और जलाने की धमकी दिए थे और मुझे मारने के लिए धमकी दिए थे। उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप लोग चाहेंगे तो मैं